इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि फेसबुक पर हम अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक करेंगे जिससे कि फेसबुक का पैसा सीधे हमारे खाते में आ जाए। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अब हम फेसबुक से भी पैसा कमा सकते हैं। ये मैंने वीडियो बनाया है और आपको पिछले वाले वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाया था कि फेसबुक से मेरा पहला पेमेंट आ चुका है। काफी लोगों ने पूछा था कि पेमेंट कैसे आता है, बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना होता है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, तो शुरू से लेकर एंड तक देखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बबलू राघव, आप देख रहे हैं टेक राघव YouTube चैनल। तो स्क्रीन पर आप मेरा मोबाइल देख रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक पर आप वीडियो डालकर पैसा कमा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए मैं फेसबुक का यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने एप्लीकेशन ओपन किया और ये जो है मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है। फेसबुक का प्रोफाइल, इसमें यहाँ पे सी डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको जो है आप प्रोफेशनल मोड में ऑन कर लीजिए। ऑन कैसे करते हैं उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटअप का ऑप्शन मिलता है। बाकी नीचे जो चीजें हैं ये बंद हैं। ये है प्रोफाइल। मैं यहाँ पे आपको पेज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे दो पेज चलाता हूँ और यहाँ पे ये मेरा एंटिक राघव आ गया, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं आ गया अपनी प्रोफाइल पर। मैं यहाँ पे सी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये मेरा फेसबुक का पेज है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4534 यहाँ पर फॉलोवर्स हैं इस पर। और यहाँ पर मैं आऊंगा तो यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिलता है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, इनस्ट्रीम ऐड पे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप लोगों को बता दूं कि इनस्ट्रीम ऐड आपका जब इनेबल होता है, जब आपके 5000 फॉलोवर्स हो और आपके 60000 मिनट हो और आपके पेज पर 5 वीडियो हो। तो यहाँ पे जो है सब कुछ है, लेकिन फॉलोवर्स अभी कुछ कम है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं, यहाँ पर आपको ऊपर जो है सेटअप का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, या तो आपको स्टार दिखाई दे, जैसे प्रोफाइल पे स्टार दिखा रहा था और वहां पे सेटअप का ऑप्शन आ रहा था, या आपका बोनस हो, लाइव एड्स हो, इन स्ट्रीम एड हो, कुछ भी और आगे सेटअप का ऑप्शन आ रहा हो तो आपको सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए पहले से मेरा एक और जो है फेसबुक का पेज है उस पे एक अकाउंट लिंक है, वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपके में ऐसा शो नहीं होगा। यहाँ पे मैं जो है एड न्यू बिजनेस इन्फो पे क्लिक करूंगा, अब आपके में इस तरीके का शो होगा। यहाँ पर आप देखिए आपके में इस तरीके का शो होगा, यहाँ पर आपका लीगल फर्स्ट नेम जो बैंक में लिंक है वही आपको डालना है, और लीगल लास्ट नेम, जैसे किसी का नाम है मान लीजिए अजय सिंह शर्मा, तो फर्स्ट नेम में हो गया अजय सिंह और लास्ट में हो गया शर्मा, तो इस तरीके से आपको नाम लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस जगह पर डालनी है, और आपको कंट्री डालनी है, जिस कंट्री में, जैसे इंडिया में रहते हैं तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। ये सब डालने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको कंट्री इंडिया दिखाई दे रहा है, और बिजनेस टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक किया, इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका नाम शो होता है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली है वो यहाँ पे गलत शो हो सकती है, तो आप इसको सही कर लीजिए। नीचे फिर आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमरी एड्रेस, सिटी, आप जिस सिटी में रहते हैं, और यहाँ पे स्टेट जैसे हम उत्तर प्रदेश, और आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड, और यहाँ पर फोन नंबर आपको डालना है, और फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए डालते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी एड्रेस में जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए, और स्टेट जैसे मैं उत्तर प्रदेश, और आपका पिन कोड, और यहाँ पे पूछ रहा है फोन, तो यहाँ पे आपको फोन अपना डालना है, और ईमेल आईडी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, जो आपका पैन कार्ड का नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर आपको इस जगह पर डालना है, और यहाँ पे जो VAT GST रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है ये आपको छोड़ देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद नीचे आपको इस पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट, और यहाँ पर ये बोल रहा है लिंक योर पेपल अकाउंट। अब यहाँ पर आप अपना बैंक खाता लिंक करना चाहें तो मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे हल्का सा वेट करेंगे, और यहाँ पे जो है बैंक का ऑप्शन आएगा, जैसे आ चुका है, देखिए बैंक कंट्री इंडिया, और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम जो आपकी पासबुक में नाम है वो नाम आपको इस जगह पर डालना है, और इसके बाद स्विफ्ट कोड, जो कि आपको बैंक में जाना है उनसे बोलना है कि हमें स्विफ्ट कोड दे दीजिए, तो वो आपको एक स्विफ्ट कोड देंगे, वो स्विफ्ट कोड आपको इस जगह पर डालना है।
फिर इसके बाद बैंक खाता जो है वो आपको इस जगह पर डालना है। तो चलिए मैं डाल देता हूं। डालने के बाद में फिर आपको लिंक पे आउट मेथड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है, लेकिन हमें साथ ही साथ में यहाँ पर हमें एड टैक्स इन्फो भी यहाँ पे लिंक करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एड टैक्स इन्फो पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे अब जो टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को यहाँ पे फिल करनी होगी। तो आप भी साथ ही साथ में इसको कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको आईडी और पासवर्ड डाल के अब लॉग इन करना होगा। तो चलिए हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और पैसा सीधे आपके खाते में आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले से इंडिविजुअल सेट है, क्योंकि हमने वहाँ पे पहले सेट किया हुआ है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूएस सिटीजन, तो हम यहाँ पे यूएस के सिटीजन नहीं है, हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। और इसके साथ ही आपके पास नीचे भी ऑप्शन यहाँ पर आता है, तो इसमें भी आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर आपका फुल नेम यहाँ पे दिखाता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ, यहाँ पे सिटीजनशिप दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से पैन कार्ड आ रहा है। फिर आपको सिर्फ यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे एड्रेस शो होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि परमानेंट एड्रेस है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यू आर एलिजिबल, हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और हम यहाँ पे नीचे आएंगे और इस पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे अपना पूरा नाम यहाँ पे डालेंगे। पूरा नाम डालने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे पूरा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है और सबसे नीचे हमें आना है और सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अगर कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट भी लिंक हो चुका है, टैक्स इन्फॉर्मेशन थी वो भी यहाँ पे पूरी हो चुकी। अब सीधे पैसा हमारे खाते में आना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे व्यू पीडीएफ भी देख सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे और डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट बाकी सब लिंक हो चुका है। ये मैंने सब्सक्रिप्शन आपको देखा होगा कि मैंने वो ऑन किया था, तो यहाँ पे बोल रहा है कि महीने का आप कितना रुपए करना चाहते हैं, जो भी मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहेगा तो उनके लिए है। मैं यहाँ पे 89 कर देता हूं। अगर आप लेना चाहें तो एंटिक राघव पेज पे ले सकते हैं। 399 बोल रहा था, तो मैंने यहाँ पे 89 पे ही क्लिक किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें हैं, तो मैं ये कर देता हूं। अब यहाँ पे सब काम हो चुके हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सी डैशबोर्ड पर आएंगे और यहाँ पर अब आपको जो ऑप्शन है ना, ये पे आउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पे आउट पर आप क्लिक करके जो है चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी पैसा कमाएंगे वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि $100 होने के बाद हर महीने की 21 तारीख को पेमेंट सीधे भेज दिया जाता है। ये मेरा पेज है फेसबुक का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो में अपलोड करता हूँ, ये देखिए मैंने अभी ये 4 दिन पहले वीडियो अपलोड किया है, इस पे 80,000 व्यू हैं। तो इस तरीके से आप भी फेसबुक पर वीडियो डालकर पैसा कमाइए। और ये 100% मैं, अगर आप मेरे वीडियो देखकर काम कर रहे हैं तो 100% मैं आपको फेसबुक से पैसे दिलाकर ही मानूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।